सो फ्रेंड्स यशु अभी एंजॉय कर रहा है न्यू ईयर पार्टी यशु कोल्ड ड्रिंक्स टा खाली रह गला हां शीत रे पी हबनी नहीं कोल्ड ड्रिंक्स पीना था कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी पा रहे ठंडे हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सब कैसे हो आशा करती आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और न्यू ईयर के सुबह सुबह हस्बैंड पूजा कर रहे थे और मैं नहीं कुछ पूजा कर पाई और यशो यहाँ पर उनको डिस्टर्ब कर रहा है आप लोग देखिए यशु कैसे करता है पूजा के टाइम ऐसे नहीं करते चलो आ जाओ जय जय पापा कर रहे हैं जय जय ओम बोल दो बाबू और यहाँ पे ये खेल रहा है वो वो नहा भी चुका है हस्बैंड उसको नहला दिए थे करंट एक्चुअली उनके टाइम में था नहाने के टाइम में और मेरे टाइम में करंट नहीं था उसके बाद बहुत टाइम के बाद करंट आया और मैंने बहुत सारे कपड़े भी भिगो के रखे थे वॉशिंग मशीन में उसको साफ़ करके मैं डाल रही हूँ इधर जो लाई थी ना कपड़े सुखाने के लिए वो बहुत अच्छा मुझे लगा बहुत सारे कपड़े इकट्ठे मतलब थर्टी एट समथिंग कपड़े उसके ऊपर आ जाता है एक बार में और बहुत अच्छा लगा मुझे ये और आप लोग देखिए कितना अच्छा व्यू भी आ रहा है पूरा मतलब पूरा सोसाइटी में धूप आ रहा है मेरे सोसाइट मेरे बालकनी में ही धूप नहीं आ रही है और अभी सब हो गया है कपड़ा सुखाना अभी चलेंगे किचन में खाना बनाना है थी ना कुर्ती वो पहनी हूँ मैं आज तो पहले यहाँ पे मैं राइस का प्रिपरेशन करूँगी और राइस थोड़ा बनने के लिए थर्टी मिनट लग जाता है तो पहले राइस उसके अंदर में खाना भी बना लूँगी तो पहले मैं राइस को बिठा दूंगी राइस क्या कुकर में बनता है राइस कुकर में तो वो थोड़ा मुझे इजी रहता है और टाइम बहुत सेव हो जाता है मेरे तो इसलिए मैं चावल को दो तीन बार धो लूँगी अच्छे से फिर मैं चावल को बिठा के फिर मुझे डालमा भी बनाना है डालमा के लिए बहुत सारे वेजिटेबल्स भी कट करना है और उसके बाद वेजिटेबल चिप्स उसके लिए भी वेजिटेबल्स कट करना है तो यहाँ पे ना मैंने आर लगाया है और अहमदाबाद में आर नहीं था पानी का आकवा गार्ड तो यहाँ पे मैंने लगाया है आर ओ क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत अच्छा है और अहमदाबाद में बहुत ख़राब पानी था तो इसलिए हम आकवागार्ड नहीं लगा रहे थे इधर हम लगा रहे, लगा लिए और यहाँ पे मेरा राइस कुकर भी मैं रख दूँगी और वो हो जाएगा थर्टी मिनट के अंदर हो जाता है राइस और यहाँ पर सुबह का बनाया था भरमी सेली का उपमा जैसा तो वो मैं रख लूँगी शाम को यशु भी खा लेता है लेकिन हम मुझे भी भूख लगता है तो मैं भी खा लेती हूँ और यहाँ पे बनाना पटाटो ब्रिंजर और गोभी बीन्स पम्पकिन सब ऐसे में डालमा डालमा में डालूंगी और ऐसे बोला जाता है ना डालमा मतलब सारे डाल का माँ होता है तो डालमा होता है तो डालमा सबसे उसके अंदर सब जाता है वेजिटेबल्स तो जाते हैं डाल जाते हैं और सबसे हेल्दी होता है वो डालमा जो होता है बहुत हेल्दी होता है तो इसीलिए मैं डालमा बनाऊँगी और हमारे उड़ीसा में क्या बोलते हैं ना डालमा को हर स्पेशल दिन में अच्छे अच्छे दिन में डालमा बनाया जाता है उसमें बहुत टेस्टी टेस्ट मतलब टेस्ट बहुत तेस्� अच्छा रहता है उसका उसके मसाला भी मैं अलग बनाऊंगी डालमा के अंदर जो डालेंगे और वो भी मैं बनाऊंगी और आप लोग बनाइएगा ये वाला आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत हेल्दी भी होता है ये और सारे वेजिटेबल्स मैं ऐसे कट कर लूँगी और मैं ज़्यादा भी नहीं, नहीं बनाऊँगी क्योंकि हम दो जन हैं इतना सारा बनाने बनाएँगे तो वो फिर लेफ्ट ओवर लेफ्ट ओवर हो जाता है फिर अलग दिन मुझे खाना पड़ेगा नेक्स्ट डे इतना दिन रख के नहीं खा सकते डाल है तो खराब हो जाता है और इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी रात के लिए और अभी लंच के लिए ही बनाऊँगी ज़्यादा बनाने से वो रह, रह जाता है बहुत मुझे अच्छा भी नहीं लगता है आ, कल तक थोड़ा बहुत रहेगा तो कल मैं खा लूँगी लेकिन ज़्यादा बनाने से वो रह जाता है वो टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है तो आप फ्रेश बना के खाओगे तो वो अच्छा लगता है और मैं ऐसे काट के फिर रख लूँगी और सब और मुझे चिप्स मतलब इस डालना में ना आप बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हो मेरे पास ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं था जो मिला मैं वही मार्केट से ले आए हस्बैंड लेके आए थे लेकिन इसमें ना आप सब सब टाइप ऑफ वेजिटेबल्स पपाया भी डाल सकते हो सब मतलब जितने वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो सब वेजिटेबल डाल सकते हो और यहाँ पे क्या उड़ीसा में बहुत सारे वेजिटेबल्स ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है मतलब अहमदाबाद में और महाराष्ट्र नासिक में बहुत बहुत डिफरेंस है अहमदाबाद में कुछ कुछ वेजिटेबल्स नहीं मिलते थे और इधर बहुत अच्छे वेजिटेबल्स मिल रहे और यहाँ पे मैं सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से धो के और पानी भी मैंने बिठा दिया था गर्म करने के लिए और जल्दी हो जाएगा इसीलिए क्योंकि यशु को भी खाना है लेट हो जाएगा तो और मैं ये डाल डालमा बना रही हूँ हरड़ डाल में तो हरड़ डाल को अच्छे से मैं धो लूँगी धो के उसके अंदर डाल दूंगी और पानी भी बॉयल हो गया है वेजिटेबल्स भी थोड़ा बहुत बॉयल भी हो गया है और जल्दी भी हो जाएगा ज़्यादा सिटी देने के लिए ज़रूरत भी नहीं है और सब डाल को अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि डाल ऊपर रह जाएगा ना तो थोड़ा अंदर ऐसे डाल के उसको अच्छे से मिला लेंगे तो डाल नीचे चला जाएगा और यहाँ पर उसके लिए थोड़ा मसाला जो कि उसका फ्लेवर बहुत बढ़ा देता है डालमा का और इसमें मैं डालूँगी अदरक और ग्रीन चिल्ली तो उसको अच्छे से कद्दूकस करके डालमा के अंदर डाल देंगे डालने के बाद अच्छे से उसको मिला लेंगे और उसमें हल्दी डालेंगे आ, नमक डालेंगे ये मैंने हल्दी डाला है फिर नमक डाल दिया है अभी मैं ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा डालूँगी उसको अच्छे से सिटी दो एक दो सिटी तक उसको हम आ, करेंगे कुक करेंगे उसके बाद निकाल देंगे और डालमा के लिए भी मसाला भी रेडी करना है और मसाले के लिए मेरे पास वो सूखी मिर्ची होता है ना रेड रेड चिली वो चिली थोड़ा लिया है मैंने दस तक लिया है दस बारह तक लिया है और जीरा उसका अच्छे से स्लो फ्लेम में रोस्ट करेंगे और वो होने के बाद हो जाएगा और ये जो पिलर मैंने लाया था ना आपको दिखा रही थी ना लास्ट वीडियो में ये मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे हो रहा है बहुत अच्छा है इसका बहुत अच्छे से पील हो जाता है सब कवर वगैरह और ये तीन टाइप तक ती, तीन टाइप का होता है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी और एक ये कैरेट का मैं कर रही हूँ क्योंकि पटाटो का ना बहुत छोटा होता है ना तो ये नहीं हो पाएगा पटाटो में जो लंबे लंबे पटाटो होता है उसमें हो जाएगा लेकिन ये छोटा वाला था पटाटो उसमें नहीं हुआ देखिए कैरेट का मैंने किया है कितना अच्छे से वो निकला है स्ट्रिप स्ट्रिप और बहुत मैं ये रख रही हूँ सुबह ब्रेकफास्ट बनाऊँगी या कुछ भी एक, किसी में भी यूज़ कर लूँगी तो ये सलाद में भी आप यूज़ कर सकते हो बहुत लुक वाइज भी अच्छा दिखेगा और यहाँ पे जो कचरा था सब मैं डाल रही हूँ डस्टबिन में और मेरा देखिए राइस भी हो गया है बहुत जल्दी हो जाता है राइस कुकर में अभी थोड़ा खुला करके रख दूँगी तो उसका जो बाँफ है वो चला जाएगा और यहाँ पे मैं पटाटो और कली फ्लावर को अच्छे से कट कर लूँगी चिप्स के लिए और इसमें भी आप बहुत सारे वेजिटेबल्स ऑप्शन हैं इस, इसमें डाल सकते हो जैसे परवल होता है बीन्स रहता है और भिंडी रहता है आप लोग ये भी डाल सकते हो इसमें वो भी अच्छा रहता है मतलब टेस्ट थोड़ा क्रंची भी रहता है तो इसमें भी क्रंची करने के लिए आप कनफ्लोर भी डाल सकते हो नहीं तो फिर वो चावल का मैंने बोला था ना वो चिली मैंने लास्ट का लास्ट वीडियो में बोला था कि चा, कुछ चावल को आप पीस के पाउडर बना के उसमें डाल सकते हो मैं आज वही डालने वाली हूँ और मैंने यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स अच्छे से धो लिया है उसको थोड़ा हम बॉईल करेंगे और ये भी मेरा जीरा और मिर्ची अच्छे से क्रंची भी हो गया था उसको अच्छे से रोस्ट कर दिया था और यहाँ पे मैं थोड़ा उसको बॉईल करूँगी वेजिटेबल को वेजिटेबल बॉईल करने से क्या होता है ना थोड़ा जल्दी हो जाता है तल जाता है तो टाइम ज़्यादा नहीं लेता है और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पाउडर बना दूँगी उसको और वेजिटेबल्स में थोड़ा सा मैंने नमक भी डाला था क्योंकि बॉयल होने उसका नमक भी थोड़ा सोख हो जाएगा वो वेजिटेबल्स में अच्छा भी रहेगा टेस्ट के हिसाब से और ये मेरा पाउडर हो गया है और इसको मैं स्टोर करके रखती हूँ एक साथ बना लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में ये ज़रूरत बहुत पड़ती है मैं स्वीट पटाटो बॉयल करती हूँ उसके ऊपर भी ये थोड़ा स्प्रेड करके खाती हूँ बहुत अच्छा लगता है लेमन के साथ और यहाँ पे मेरा हो गया था दो सिटी हो गया था तो मैंने कुकर बंद गैस बंद करके कुकर को खोल दिया था क्योंकि ज़्यादा रखूँगी तो ज़्यादा बॉयल हो जाएगा तो इसीलिए तो यहाँ पे मैं जो वेजिटेबल्स का पानी था वही यूज़ करूँगी कुकर को अच्छे से क्लीन करने के लिए क्लीन करके सब जो भी डाल लो, उसके अंदर लगा है सब मैं डालमा में डाल दूँगी तो ऐसे पानी को यूज़ करना चाहिए फेंकना नहीं चाहिए तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ वेजिटेबल्स का पानी है अच्छा मिनरल्स है उसमें तो ऐसे करके फिर अभी मैं तड़का लगाऊँगी तड़किया के लिए मैं घी में लगाऊंगी क्योंकि आज आ, स्पेशल डे है तो घी में ही बना जाता है ओनियन गार्लिक नहीं है तो इसमें मैंने पंचफोरन और हींग और तेज़पत्ता ये सब डाल के अच्छे से उसको छोंक लगा और ये जो सूखी मिर्ची भी वो भी मैंने दो डाला है और डाल के उसको अच्छे से हम रोस्ट करेंगे तेल के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना उसका स्मेल बहुत अच्छा आएगा उसके बाद हम डालेंगे डालमा में उसको आप डालमा में नारियल का ग्रेट नारियल भी डाल सकते हो वो भी बहुत टेस्ट आएगा उसमें तो ऐसे करके मैं सब डाल दूँगी छोंक हो गया हमारा मतलब जो तड़का था उसको उड़ीसा में छुंको बोलते हैं तो ये हो गया है मेरा अभी मैं फ्राइड करने के लिए वेजिटेबल्स ऑयल डालूँगी उसी कढ़ाई में और यहाँ पे जो मसाला मैंने रेडी किया था ना वही मसाले को अभी मैं डालमा में डाल दूँगी और इसमें आप बिलीव नहीं करोगे ये आप बनाओगे या आप उड़िया चैनल देखते होंगे तो आपको पता होगा ये क्या है ये बहुत टेस्ट बढ़ा देता है डालमा में तो आप एक बार घर में बनाइए खाइए और ये मैं चावल को पाउडर बना दूँगी पाउडर बना के ये मैं चिप्स में, में डालूँगी और थोड़ा सा बेसन में ले रही हूँ एक दो स्पून लूँगी और उसमें वो ओनियन विदाउट ओनियन गार्लिक का पाउडर करी रुचि पाउडर ये उड़ीसा में मिलता है ये पाउडर ऑनलाइन में भी मिल जाता है आप लोग नो मतलब ओनियन गार्लिक जब नहीं खाते हो तो ये यूज़ कर सकते हो उसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर चावल का पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा चाट मसाला ऐसे कुछ डाल के मैं ये वही डाला था और यहाँ ये तिल है तिल मतलब ओडिशा में रासी बोलते हैं उसको ये डाल के मैं अच्छे से मिला लूँगी मिला के अभी फ्राइड कर लूँगी ये थोड़ा गाढ़ा हो गया था तो मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा क्योंकि चावल रहता है ना चावल बेसन रहता है तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है फिर ये सब डाल के मैं तल लूँगी तल लूँगी अच्छे से एक दो बार में मेरा हो जाएगा सारा चिप्स अभी यीशु को भी ये खिला रहे थे हस्बैंड खिला रहे थे तो उनको तो मैं दे रही थी डालमा और यीशु को बहुत पसंद है डालमा वो खा लेता है और चिप्स के साथ खाता है मैं चिप्स बाद में दूंगी क्योंकि वो चिप्स देख जाए देख लेगा ना फिर वो डालमा और राइस नहीं खाएगा सिर्फ चिप्स ही खाएगा तो इतना ऑयली नहीं खाना चाहिए बच्चों को तो इसलिए मैं थोड़ा उसको बाद में दे दूँगी वो एन्जॉय करेगा उसका लंच होने के बाद और देखते देखते ये सब मेरा चिप्स भी बन गया है अभी सारे बन जाएंगे फिर हम लोग खाना खाएंगे और बहुत लेट हो गया था उस दिन तो इसीलिए हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा पाए क्योंकि बहुत लेट हो गया था और ऐसे न्यू ईयर में जाएंगे तो बाद में जाएंगे चलेगा चल एक ही बात है तो न्यू ईयर में ज़्यादा भीड़ रहता है हम लोग कभी अकेले जाएंगे घूमने के लिए तो यहाँ पे राइस एंड पकोड़े मतलब वेजिटेबल चिप्स डालमा एंड लेमन और मिर्ची और नमक इसके साथ डालमा का फ्लेवर बढ़ जाता है राइस का और डालमा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है आप घर में बना के खाइए और आपको फिर से हैप्पी न्यू ईयर है। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो आप कमेंट कीजिए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और आपका न्यू ईयर कैसा रहा आपने प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा तो फिर मिलते हैं और एक नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक बाय बाय